बदले राजनाथ के तेवर, संयमता छोड़ पकड़ी आक्रामकता की राह मोदी सरकार पार्ट दो में, जब राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय से हटाकर रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई तो यह कहा जाने लगा कि उनका कदम घट गया है। अमित शाह ने गृह मंत्रालय संभालते ही अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया, जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि राजनाथ सिंह गृह मंत्री रहते ही यह इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाए। हालांकि राजनाथ बीच बीच में यह जरूर कहते रहे कि इसकी कवायद उनके गृह मंत्री रहते ही शुरू हो गई थी। भले ही कुछ भी हो, पर यह बात सच है कि अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर पर किए गए फैसले की वजह से अमित शाह की पूरे देश में वाहवाही हो रही है। इन तमाम घटनाक्रम के बीच अब राजनाथ सिंह के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। आमतौर पर राजनाथ की छवि सधे हुए नेता की है, जो अपने बयानों में आक्रामकता की बजाय संयमता को ज्यादा महत्व देता है। गृह मंत्री के तौर पर हो या फिर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, राजनाथ ने अपनी फितरत के मुताबिक खुद को विवादों से दूर ही रखा। उन्होंने अपने संयमता की ही बदौलत राजनीति में खूब दोस्ती कमाई है। लेकिन राजनाथ सिंह के हालिया बयानों को देखें तो वह अपने छवि के बिल्कुल ही विपरीत नजर आ रहे हैं। उन्होंने संयमता का रास्ता छोड़ आक्रामकता दिखानी शुरू कर दी है और शायद हालिया राजनीति की मांग भी यही है। पर यह सब हुआ कैसे और इसके परिणाम क्या होंगे, इसे लेकर राजनीति गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। तो चलिए सबसे पहले राजनाथ के उन बयानों के बारे में बताते हैं जो फिलहाल चर्चा